में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और एमआरएनए वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारतीय मूल के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहें, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उन्हें मानवता की सेवा में जुटे रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। और ये हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने विश्व को यह भी सबक दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी भावना से प्रेरित है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है। और इस अभियान में भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड, रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को
विकास का आधार।